हाँ जी, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की ए टू जेड सीरीज में आज हमारी सेकंड क्लास है। ए वाले वर्ड्स हम देख चुके हैं, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बी और सी से बनने वाले वर्ड्स। ये जो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हैं, मोस्टली एग्जाम्स में कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के दो तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं, और आप प्रेजेंट टाइम में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें अगर आप ट्रेंड को देखेंगे, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हर एक पेपर में आ रहे हैं, चाहे वो सिलेबस में है या नहीं है। तो बस उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की ए टू जेड सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं, आज की हमारे सेकेंड क्लास है, सी और डी वाले कन्फ्यूजेबल वर्ड्स पढ़ेंगे। ये कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की ये सारी क्लासेस देखने के बाद आपको दो फायदे होंगे। एक तो आप एग्जाम में तो क्वेश्चन सही करोगे ही, उसके साथ ही आप बोलने में लिखने में भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आपको डिफरेंस पता लगेगा कि इन दो सेम वर्ड्स में ये डिफरेंस है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेटर से, फर्स्ट वर्ड से। चलिए, आज हमने ब्लैक बोर्ड का कलर थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा ये हमारा फॉर्मेट चेंज किया है। पहले व्हाइट बोर्ड हुआ करता था, आज हमने ये फॉर्मेट लिया है। कमेंट करके बताना कि ये सही है या पहले वाला सही था। ओके, बी और सी वाले आज की क्लास में है, फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट है बोअर और बोर। फर्स्ट प्रोनंसिएशन भी पर भी आप प्लीज फोकस करना, मैं किस तरह से प्रोनाउंस कर रही हूँ। बोअर और बोर। बोअर होता है अ पिग, ठीक है। सुअर को हम बोअर भी कहते हैं, बोअर ये नाउन है। तो बोर क्या होता है, बोर, बी ओ आर ई, बोर क्या है, बोर होता है बर्दाश्त करना। बहुत बार आपने यूज लिया है, यार मैं तो बोर हो रहा हूं, यार मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस वही बोर है, आई एम गेटिंग बोर, ठीक है। ये कौन सा वाला बोर है, आई एम गेटिंग बोर। तो ये बोर श्योर है और ये बोर होता है बर्दाश्त करना। बोट और ब्रोट, ये जो बोट है वो बाई की थर्ड फॉर्म है, बाई की थर्ड फॉर्म है। ये ब्रोट होता है, ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है। बाई यानी खरीदना और ब्रिंग मीन्स लाना, कंफ्यूज मत होना आज के बाद। फिर है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड होता है बाई द साइड, बिसाइड होता है बाई द साइड, और बिसाइड्स होता है के अलावा, बिसाइड्स होता है के अलावा। बिसाइड जो है वो प्लस का सेंस देता है। अब आप कहोगे कि मैम प्लस का सेंस कैसे देगा, कि किसी भी नाउन के लिए, किसी भी नाउन के लिए अगर आप बिसाइड्स का यूज करेंगे, इसका मतलब है कि ये नाउन तो है ही, इसके अलावा और भी है, ठीक है। जैसे जैसे राम बिसाइड्स हिज पेरेंट्स, इसका मतलब है राम भी है और उसके पेरेंट्स भी हैं। लेकिन मैं ये कहूं कि राम एक्सेप्ट हिज पेरेंट्स, एक्सेप्ट तो माइनस कर देता है दोस्तों, और एक्सेप्ट जो है वो माइनस कर देता है और बिसाइड जो है वो प्लस कर देता है, अच्छे से याद रखना। तो एक्सेप्ट ने राम को माइनस कर दिया, इसका मतलब ये है, बिसाइड्स का मतलब होता है राम भी और उसके पेरेंट्स भी, तो के अलावा। ये बिसाइड्स एक प्रेपोजिशन है, एक्सेप्ट भी एक प्रेपोजिशन है। बिसाइड्स प्लस करेगा और एक्सेप्ट जो है वो माइनस करेगा। यहां पर राम भी है और उसके पेरेंट्स भी हैं, यहां पर राम नहीं उसके पेरेंट्स, आया समझ में। इसीलिए कंफ्यूजेबल वर्ड्स को पढ़ना, सीखना, याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट वर्ड, बेनिफिशियल और बेनिफिशियरी। देखने में लगभग सेम है लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग है। बेनिफिशियल होता है लाभकारी, हेल्पफुल और एडवांटेजियस। अब देखो बेनिफिशियल क्या है, बेनिफिशियल तो भाई एक एडजेक्टिव है, बेनिफिशियल तो एडजेक्टिव है, और बेनिफिशियरी क्या है, बेनिफिशियरी एक नाउन है। बेनिफिशियरी होता है लाभार्थी, यानी जिस व्यक्ति ने बेनिफिशियल लिया है,
जिस व्यक्ति मैंने किसी चीज का, मैंने किसी गवर्नमेंट योजना का अगर लाभ लिया है तो मैं कौन हूँ, मैं बेनिफिशियरी हूँ। और वो गवर्नमेंट योजना क्या है, वो जिन जिन लोगों के काम आएगी वो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, वो लाभकारी है। आया समझ? आगे चलेंगे। नेक्स्ट है बार्बरिज्म और बार्बरिटी। तो बार्बरिज्म और बार्बरिटी में रात दिन का अंतर है, देखेंगे। बार्बरिज्म होता है असभ्यता और बार्बरिटी तो होती है बर्बरता। तो बार्बरिज्म में वायलेंस, लड़ाई, झगड़े, दंगे वो नहीं होंगे। बार्बरिज्म है लैक ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हमें किसी पार्टी में बुलाया गया, वहां जाकर हमें हमें अच्छे से बिहेव नहीं करना आ रहा है, तो हम वहां पर बार्बरिज्म में आएंगे, ठीक है। यानी लैक ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। और बार्बरिटी होता है क्रुएल्टी एंड ब्रूटेलिटी, ठीक है। निर्दयता जहां है, वायलेंस जहां है, वहां बार्बरिटी हो जाएगा। और कल्चर में थोड़ी सी कमी है, किसी को बिहेव करने में थोड़ी कमी है, बोलते हैं ना यार ये तो गंवार है, उस गंवार को हम बार्बरिज्म में लेंगे। आगे है ब्राइडल और ब्राइडल, सेम प्रोनंसिएशन है, मीनिंग बिल्कुल अलग है। ब्राइडल होता है लगाम, ठीक है, जो घोड़े के लगाई जाती है, घोड़े के जो लगाई जाती है लगाम, उसको ब्राइडल कहते हैं। तो ये वाला ब्राइडल कौन सा है, BRIDAL, ये वाला ब्राइडल होता है दुल्हन से संबंधित। जैसे आपको पता है ब्राइड और ग्रूम, दूल्हा दुल्हन को क्या बोलते हैं, दूल्हे को ग्रूम बोलेंगे और दुल्हन को ब्राइड बोलेंगे। तो ये ब्राइडल है, ब्राइड में BRIDE, ब्राइड ये होता है दुल्हन, और ब्राइडल हो जाएगा दुल्हन से संबंधित, ठीक है, ब्राइडल हो जाएगा दुल्हन से संबंधित। बेल और बेल, नेक्स्ट वर्ड है बेल और बेल, BAIL, बेल होता है जमानत, किसी ने क्राइम कर दिया उसको जेल में डाल दिया, अब उसका वकील उसकी बेल लगाएगा। बेल या तो ग्रांट होती है या रिजेक्ट होती है, अगर बेल तो बेल कहेंगे जमानत, जमानत को बेल कहेंगे। टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम कस्टडी, कस्टडी से टेम्परेरीली रिलीज कर देना। और BALE, ये बेल होती है गठरी, ये बेल होती है गठरी, गांठ, ए लार्ज बंडल ऑफन ऑफ हे और कॉटन, ठीक है। HAY, हे होता है घास फूस, सूखे हुए घास को HAY हे कहते हैं, क्लियर। आगे चलो, बर्थ और बर्थ, सेम मीनिंग है, सॉरी मीनिंग अलग है, प्रोनंसिएशन सेम है। BERTH, बर्थ होता है सोने की जगह, जो ट्रेन में होता है ना, मेरी कौन से, मेरी मिडिल बर्थ है, मेरी लोअर बर्थ है, मेरी अपर बर्थ है, तो ये वो वाला बर्थ है, BERTH, ये वो वाला बर्थ है, सोने की जगह, ए स्लीपिंग प्लेस स्पेशली इन ट्रेन्स, ट्रेन्स में जो बर्थ होती है वो ई वाला बर्थ है। और आई वाला बर्थ होगा जन्म लेना, BIRTH, बर्थ होता है द बिगनिंग ऑफ लाइफ, जन्म लेना। आगे चलिए, देखिए ये हमारे स्मृति के एप्लीकेशन पर जनरल इंग्लिश का फुल बैच चल रहा है, जनरल इंग्लिश का बैच एक और तैयारी अनेक, जो बैच है वो एक है लेकिन तैयारी अनेक है। पटवार वाले भी इसको ले सकते हैं, वीडियो वाले भी ले सकते हैं, रीट वाले भी ले सकते हैं, या अदर जो एग्जाम्स हैं जिनकी जिनके एस्पायरेंट्स हैं वो भी इस दुर्गा बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। क्लासेस इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगी, हैंड रिटन नोट्स, एक्स्ट्रा नोट्स सारे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ग्रामर, वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों पोर्शन हम कंप्लीट करवाएंगे। इस बैच की एक खासियत ये है कि इसमें हम टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है वो हम आपको फ्री दे रहे हैं, इस बैच के साथ ही आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो ये दुर्गा बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं। पटवार और वीडियो के एस्पायरेंट्स के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है। पटवार की टेस्ट सीरीज 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, पटवार की टेस्ट सीरीज 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, वीडियो की टेस्ट सीरीज 17 नवंबर से स्टार्ट होगी। ओके, वीडियो की टेस्ट सीरीज 17 नवंबर से स्टार्ट होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आगे चले,
ब्लू और ब्लू, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये है ब्लू और ये है ब्लू, ठीक है। ब्लू होता है फूक मारना या उड़ाना, पास्ट टेंस ऑफ ब्लो, ये जो ब्लो है ना, ब्लो 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 होता है फूक मारना, ठीक है। जो बच्चे गांव से हैं, गांव वाले समझ जाएंगे, फूकनी होती है अपने, होती है ना, एक चूल्हा हो है, तो चूल्हा के पास में एक फूकनी हो है, तो भी सो फूक मार मार कर रफा आग जलाया करना, तो बस उसको क्या कहते हैं, उसको ये ब्लोअर कहेंगे, ठीक है। ब्लो फूकना, फूकना या उड़ाना, इसी ब्लो का सेकंड फॉर्म है ब्लू। तो ये ब्लू क्या है, ब्लू आप सब जानते हो, ब्लू होता है नीला, एक कलर। ब्रेक और ब्रेक सेम प्रोनंसिएशन, मीनिंग बिल्कुल अलग है। ब्रेक होता है तोड़ना, ब्रेक कर देना, तोड़ देना, टू सेपरेट इनटू पार्ट्स, BREKE। ब्रेक क्या होता है, जब आप रोड पे चल रहे होते हैं तो एक ढलान आती है बीच में, जिसको आप ब्रेकर कहते हो, बस यही वो चीज है, ब्रेक है रुकावट, ठीक है। एक्सीडेंट से बचने के लिए ब्रेकर बना दिए जाते हैं। तो ये वाला BREAK, ये वाला ब्रेक है तोड़ना, और BREKE ये वाला ब्रेक है रुकावट। बॉल और बॉल, एक बाउल भी होता है, एक और लिख लो बाउल, BALL बॉल, आप सब समझते हो बॉल गेंद। BAWL बॉल होता है चिल्लाना, क्राई। BAWL बॉल होता है चिल्लाना, टू क्राई लाउडली और शाउट करना, चिल्लाना। BOUL ये होता है बाउल, बाउल होता है कटोरी, बाउल किसको कहेंगे, कटोरी को कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपना आ जाता है कैच और होल्ड, बहुत रात दिन का अंतर है, कैच करना और होल्ड करना। कैच होता है पकड़ना और होल्ड होता है थामना, किसी किसी मूवमेंट करने वाली चीज को पकड़ते हैं उसको कैच कहेंगे, और हम ऐसे ही किसी चीज को थाम कर रखते हैं उसको होल्ड कहेंगे, टू ग्रैब और सीज, ठीक है। जैसे कि बॉल, एक बल्लेबाज ने जोरदार एक शॉट मारा, फिर जो बॉलर या फिर कोई भी जो गेंदबाज होते हैं वो क्या करते हैं, उसको कैच करते हैं ना, तो उन्होंने मूवमेंट करने वाली, मूवमेंट वाली वस्तु को उन्होंने पकड़ा, उसको हम कैच कहेंगे। और ऐसे ही जनरल वे में कहते हैं कि भाई इसको पकड़ के रखो तो इसको होल्ड कर लो, उसको कहेंगे होल्ड। आगे से डिफरेंस आपको पता होगा, ठीक है, आगे चलेंगे। कस्टम और हैबिट, दोनों में रात दिन का फर्क है। कस्टम होता है सामाजिक नियम, जो सोशल यूजेज के लिए जो जिनका यूज किया जाता है उनको हम कस्टम कहेंगे, रीति रिवाज, ठीक है, उनको हम कस्टम कहेंगे रीति रिवाज, रीति रिवाज। भाई हैबिट क्या है, हैबिट यूज करेंगे पर्सनल वे में, हैबिट को हम पर्सनल वे के लिए हैबिट यूज करेंगे, आदत के सेंस में। और कस्टम होते हैं जिनसे हम सोशली बाउंड हो रहते हैं, ठीक है, सामाजिक रूप से बंधे हुए रहते हैं, वो कस्टम होते हैं रीति रिवाज। कॉप्स, कॉप्स और कार्कस, कॉप्स कॉप्स और कार्कस, तीनों में डिफरेंस है, क्या क्या है। CORPS, कोप्स होती है सेना की टुकड़ी, ए मिलिट्री यूनिट और ग्रुप, सेना की टुकड़ी को कोप्स कहेंगे। CORPSE, ये जो कॉप्स है, इट मींस होता है शव, डेड बॉडी। CORPSE, कॉप्स यानी डेड बॉडी, ए डेड बॉडी स्पेशली ऑफ अ ह्यूमन, किसी ह्यूमन की डेड बॉडी को हम कहेंगे कॉप्स। कार्कस क्या होता है, जानवर की बॉडी। अब देखो, ह्यूमन बॉडी जो होती है, मानव की जो डेड बॉडी है उसको कॉप्स कहेंगे, जानवरों एनिमल्स की जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको हम कहेंगे कार्कस। क्लियर। नेक्स्ट है कंप्लेन और कंप्लेंट, कंप्लेन और कंप्लेंट, ये जो कंप्लेन है वो तो वर्ब है और कंप्लेंट है नाउन। कंप्लेन शिकायत करना, टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन, और कंप्लेंट हो गई शिकायत, एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीवांस, ठीक है। तो नाउन की जगह यूज करना है तो हम कंप्लेन को यूज करेंगे, और सॉरी, नाउन की जगह यूज करना है तो हम कंप्लेंट को यूज करेंगे, और वर्ब की जगह यूज करना है तो हम कंप्लेन को यूज करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड आपका है कैनन और कैनन। प्रोनंसिएशन बिल्कुल सेम है लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। कैनन होते हैं नियम, CANON, कैनन होता है नियम, ए जनरल लॉ, प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड। ठीक है, नियमों को हम कहेंगे कैनन। तो CANON क्या है मेरे भाई, CANON होती है तोप, कैनन। ठीक है, कैनन यानी तोप, ए लार्ज हैवी गन यूज्ड इन वॉरफेयर। ठीक है, तोप को हम कहेंगे कैनन। आगे चलें, देखिए ये जो भी क्लासेस हो रही हैं इसकी पीडीएफ, इस क्लास की या जो भी हमारी क्लासेस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं यूट्यूब पर, इंग्लिश वाली क्लासेस हमारे लर्न विद रजनी का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जो जीके जीएस की जो क्लासेस हो रही हैं उनकी पीडीएफ हम स्मृति कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके साथ ही डेली इनमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इंग्लिश का कंटेंट लर्न विद रजनी में होगा और इंग्लिश के अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं स्पेशली जीके और जनरल साइंस उसका कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। तो आप हमारे दोनों जो ये टेलीग्राम ग्रुप है और ये टेलीग्राम चैनल है इनका हिस्सा बन सकते हैं। ओके, आगे चले, कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूअस। अब आप सोचोगे कि यार लगातार होता है, निरंतर होता है, डिफरेंस को समझो। कॉन्टिन्यूअल होता है लगातार, अक्रिंग रिपीटेडली ओवर टाइम। तो कंटिन्यूअल लगातार होता है, कंटिन्यूअस निरंतर होता है, बिना रुके कोई चीज हो रही है वो कंटिन्यूअस है, और कोई चीज थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद में बार बार रिपीट हो रही है वो कंटिन्यूअल है। उम्मीद करती हूं अब आपको अंतर समझ आ गया होगा। बिना रुके कोई काम हो रहा है ना, अनइंटरप्टेड विदाउट ब्रेक, बिना रुके कोई काम हो रहा है उसके लिए कॉन्टिन्यूअस, और बार बार कोई काम हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रुक रुक कर बार बार हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअल। आगे चलो, सिमिट्री और सिमिट्री। सिमिट्री होता है कब्रिस्तान, CEMETRY, सिमिट्री होता है कब्रिस्तान। ठीक है, तो बस SSYMMETRY, सिमिट्री क्या है, समरूपता, समरूपता को हम सिमिट्री कहेंगे। ओके, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, मैंने अच्छे से बता दिया है, आगे से आपको ध्यान रखना है। आगे चले, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में क्या फर्क है। चाइल्डिश, कोई बड़ा आदमी बच्चे जैसी हरकत करता है तो हम कहेंगे यार ये तो चाइल्डिश नेचर है इसका, तो ये तो चाइल्डिश बिहेव कर रहा है, तो बचकानी हरकतें कर रहा है। ठीक है, इमेच्योर और सिली बिहेवियर, कोई बड़ा आदमी अगर इमेच्योर बिहेवियर करता है तो हम उसको चाइल्डिश कह सकते हैं। चाइल्ड लाइक क्या होता है, बच्चों जैसा, इनोसेंट एंड प्योर लाइक ए चाइल्ड। और कोई अगर बच्चे की तरह प्योर और इनोसेंट होगा उसके लिए हम चाइल्ड लाइक का यूज करेंगे। आपको सिर्फ इतना यूज करना है, पॉजिटिव सेंस में चाइल्ड लाइक और निगेटिव सेंस में चाइल्डिश। क्लियर, आगे है करियर और कैरियर। करियर और कैरियर, ये तो है करियर, करियर यानी अपना प्रोफेशन, प्रोफेशन के लिए अगर आपको यूज करना है तो भाई करियर, मुझे मेरे करियर में ये करना है। कैरियर कभी मत बोलना, कैरियर तो वाहक होता है, ले जाने वाला, कैरीज को ले जाने वाला कैरियर होता है। अ पर्सन और थिंग दैट कैरीज समथिंग, जो कुछ ले जाए, एक व्यक्ति या कोई ऐसी वस्तु जो किसी को कैरी करे उसको कैरियर कहते हैं, और जो प्रोफेशन वाला है उसको करियर कहेंगे। क्लियर, आगे चलिए, कोर्स, कोर्स और कर्स, कोर्स, कोर्स और कर्स। ठीक है, एक क्रश भी होता है, क्रश। ठीक है, CORSE, कोर्स होता है खुरदरा, रफ, रफ के लिए, खुरदरे के लिए हम कोर्स का यूज करेंगे। CORSE, कोर्स कौन सा होता है, कार्य प्रणाली, ये वो कोर्स है जो हम टीचर्स आपको कहते हैं कि भाई हम 3 महीने में कोर्स करा देंगे, हम 5 महीने में कोर्स करा देंगे, ये आपका वो वाला कोर्स है। CURSE, कर्स क्या है, कर्स होता है श्राप,
कर्स होता है श्राप, ए विश और फॉर हार्म और मिसफॉर्चून, किसी के बुरे के लिए हम कोई बद्दुआ देते हैं उसको कर्स कहेंगे। तो फिर क्रश क्या होता है? क्रश होता है कुचलना, कुचलना, क्रश कर देना, क्रश कर देना, ठीक है, कुचलना या एकदम खाने की चीजों के लिए अगर क्रश का यूज करेंगे तो एकदम बारीक कर देना। नेक्स्ट है कॉन्शियस और कॉन्शेंशियस, कॉन्शियस और कॉन्शेंशियस, प्रोनंसिएशन में रात दिन का अंतर है। कॉन्शियस होता है सचेत कि यार वो तो बहुत कॉन्शियस है, वो तो अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस है, वो तो अपने करियर के लिए बहुत कॉन्शियस है, बस ये वही वाला कॉन्शियस है। सचेत, अवेयर ऑफ एंड रेस्पोंडिंग टू वन्स सराउंडिंग्स। तो भाई कॉन्शेंशियस क्या होता है? कॉन्शेंशियस होता है ईमानदार या सजग, कॉन्शेंशियस होता है ईमानदार या सजग। कंपोज और कंप्राइज, कंपोज और कंप्राइज, कंपोज होता है रचना करना, ये जो राइटर्स होते हैं वो कंपोज करते हैं अपने कंपोजिशन को, ठीक है, वो रचना करते हैं, कंपोज करते हैं। टू क्रिएट और पुट टुगेदर, ठीक है, कंपोज करना। तो कंप्राइज क्या है? कंप्राइज होता है समावेश करना, टू कंसिस्ट ऑफ और इंक्लूड, ठीक है। कंपोज होता है रचना करना, किसी कृति, किसी आर्ट ऑफ पीस की रचना करना, सॉरी किसी पीस ऑफ आर्ट की रचना करना। और कंप्राइज होता है समावेश कर लेना, बहुत सारी चीजों को एक कर लेना, इंक्लूड कर देना। आया अंतर समझ में? आगे है सेंसोर और सेंसर, ये है सेंसोर, ये है सेंसर। सेंसोर होता है निंदा करना, सेंसोर होता है निंदा करना, रिप्रिमांड, डांटना, भर्तना करना, आलोचना करना। टू एक्सप्रेस सीवियर डिसअप्रूवल, ठीक है, सेंसोर होता है निंदा करना। और सेंसर क्या है? सेंसर बोर्ड का नाम आप सबने सुन रखा है, सेंसर होता है नियंत्रक, ठीक है। ऑफिशियल लाइसेंसिंग ऑफ फिल्म, ठीक है, फिल्म के लिए जो ऑफिशियल लाइसेंस देता है वो सेंसर बोर्ड होता है, ठीक है, वो सेंसर है। आगे चलेंगे क्रेडिबल और क्रेडिटेबल, क्रेडिबल और क्रेडिटेबल। क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, बिलीवेबल और ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय होता है क्रेडिबल। और क्रेडिटेबल कहेंगे सम्मानजनक, जो रेस्पेक्ट रेस्पेक्टफुल लोग हैं उनके लिए क्रेडिटेबल, सम्मानजनक। डिजर्विंग ऑफ प्रेज और रेकग्निशन, डिजर्विंग ऑफ प्रेज और रेकग्निशन, क्रेडिटेबल, क्लियर। कैनवास और कैनवास, अब देखो सी ए एन वी ए एस, कैनवास होता है मोटा कपड़ा जिसके ऊपर पेंटिंग वगैरह करते हैं, मोटे कपड़े को है ना, कोर्स क्लॉथ, मोटे कपड़े को कैनवास कहेंगे। और सी ए एन वी ए डबल एस, कैनवास क्या होता है? सर्वेक्षण करना, टू सर्वे और सॉलिसिट ओपिनियंस और सीक सपोर्ट, सर्वे करना, सर्वेक्षण करना, कैनवास। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, तो भाई सी ओ एम पी एल ई एम ई एन टी, कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, समथिंग दैट कंप्लीट्स और इनहेंसेस अनदर्स थिंग, ठीक है, पूरक होता है। आप कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, जैसे आप कहीं डिनर करने जाओगे तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री यानी डिनर करने के बाद अपनी तरफ से आपको कुछ खाने पीने का देंगे, पूरक अपनी तरफ से। ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है सराहना, बड़ाई, तारीफ, वो वाला कॉम्प्लीमेंट है सराहना। ए पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमायरेशन, प्रेज और एडमायरेशन करना कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, सी ओ एन एफ आई डी ए एन टी और डी ई एन टी, कॉन्फिडेंट, सी ओ एन एफ आई डी ए एन टी, कॉन्फिडेंट होता है विश्वास पात्र, ठीक है, विश्वास पात्र। कॉन्फिडेंशियल होता है गोपनीय, तो कॉन्फिडेंट है विश्वास पात्र। अ पर्सन ट्रस्टेड विद पर्सनल इंफॉर्मेशन, विश्वास पात्र के लिए हम कॉन्फिडेंट का यूज करेंगे, ए आएगा। और ये कॉन्फिडेंट आप समझते ही हो, कॉन्फिडेंस वाला, आत्मविश्वासी। और कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास। तो डी ई एन टी वाला जो कॉन्फिडेंट है वो है आत्मविश्वासी, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट है
कॉम्प्लेसेंट क्या होता है? कॉम्प्लेसेंट होता है संतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड। सेल्फ सेटिस्फाइड को कॉम्प्लेसेंट कहेंगे। और कॉम्प्लेसेंट किसको कहेंगे? विनम्र, जो विनम्र हैं, पोलाइट हैं, उनको हम क्या कहेंगे? पोलाइट। विलिंग टू प्लीज अदर्स, ऑब्लिजिंग, उनको ओब्लाइज करके, ओब्लाइजिंग। नेक्स्ट है कैजुअल और कॉजल। दोनों में दिखने में सेम है, डिफरेंस बहुत सारा है मीनिंग में। कैजुअल होता है अनौपचारिक, कैजुअल मीटिंग्स होती हैं अनौपचारिक। इनफॉर्मल, रिलैक्स्ड और नॉट प्लान्ड, जो बिना प्लान के होता है कैजुअल, अनौपचारिक। और कॉजल होता है कारणात्मक, कॉज से कॉजल बना है, कॉज से कॉजल बना है, रिलेटिंग टू अ कॉज और इट्स इफेक्ट। ठीक है, किसी भी चीज के कॉज से रिलेटेड होना कॉजल कहलाता है। ये कॉजल है और ये कैजुअल है। आगे चलिए, क्लाइमेटिक और क्लाइमेटिक, क्लाइमैक्टिक। देखो क्लाइमेक्टिक क्या होता है? CLIMACTIC। क्लाइमेक्टिक होता है चरम, रिलेटिंग टू द मोस्ट इंटेंस पॉइंट इन अ सीरीज और इवेंट। ठीक है, जो चरम बिंदु होता है किसी भी इवेंट या सीरीज का, उसको हम क्लाइमेक्टिक कहेंगे। और क्लाइमेटिक होता है क्लाइमेट से बना है, जलवायु से संबंधित है, तो क्लाइमेटिक हो गया जलवायु संबंधी। नेक्स्ट है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस क्या होता है? संक्रामक, जो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने से जो बीमारी फैले, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेजियस। CONTAGIOUS, ठीक है, कॉन्टेजियस। फिर है कॉन्टिजुअस। कॉन्टिजुअस किसे कहेंगे? कॉन्टिजुअस कहेंगे आसन्न, यानी शेयरिंग ए कॉमन बाउंड्री या एडजासेंट। आसन्न जो एकदम सटकर हो, कॉमन बाउंड्री जो शेयर करे, ठीक है, एक ही बाउंड्री जो शेयर करे, वो हो गया कॉन्टिजुअस। इन्फेक्शियस क्या होता है? संक्रामक। इन्फेक्शियस होता है ए डिजीज विच स्प्रेड बाय एयर और वाटर। तो देखो, एक ऐसी बीमारी जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैले, वो होगी कॉन्टेजियस। और एक ऐसी बीमारी जो हवा और पानी से फैले, उसको हम कहेंगे इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास नंबर सेकंड थी, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की सेकंड क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। इस क्लास की पीडीएफ आपको लर्न विद रजनी के टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी। आप वहां से पीडीएफ लेकर इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम डेली के जो क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, और भी स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच।